हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये देखिए विनय सहस्रबुद्धे, जेपी नड्डा, बीडी शर्मा, श्याम जाजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ हैं, मंच पर चल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बिल्कुल जो ये आज की ये ऐतिहासिक तस्वीर है अपने आप में दर्शाती है कि सिंधिया अब भाजपा के हो गए हैं, क्योंकि भाजपा के मंच पे सिंधिया मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ में जेपी नड्डा और उनके ठीक बगल में विनय सहस्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो बैठ चुके हैं, बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, और ये भी ग्वालियर क्षेत्र से ही आते हैं, मुरैना क्षेत्र से ही आते हैं, भिंड इलाके से ही आते हैं, वो मौजूद हैं। और मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय मयूख है जो अब इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें ये एबीपी न्यूज दिखा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र में मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, वो भी आ चुके हैं। अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी आ चुके हैं। वो दो लोग भी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मंच पर बैठने जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको सीधी एबीपी न्यूज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से दिखा रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सारे बड़े नेता यहां मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा यहां पे आज जो इस पूरी फिल्म स्क्रिप्ट का हीरो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भाजपा अध्यक्ष से गुफ्तगू करते हुए भाजपा के मंच पे, ये एक अद्भुत तस्वीर है और ऐतिहासिक तस्वीर है। जब भी मध्य प्रदेश की राजनीति का जिक्र होगा इस तस्वीर का, इस क्षण का जरूर जिक्र होगा। आज की जो तारीख है, पत्रकार मित्रों से आग्रह होगा कृपया शांत हो जाए। हेलो हेलो, हेलो हेलो, कृपया शांत हो जाए, बड़ी कृपा होगी। हेलो, आप देख रहे हैं मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा के बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप और भी लोगों को देख रहे हैं जो मंच पर, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, और बस इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। अब सबसे अहम ये देखना होगा कि आज यहां से इस मंच से क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी है, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, ऐसे में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। आप ये देखिए मंच पर यह तस्वीर, और वाकई कई मायनों में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के चेहरे थे एक लिहाज से, आप उन्हें पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं, और वो आज जेपी नड्डा के साथ उस मंच पर मौजूद हैं जहां पर आपने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी मुख्यालय में अब तक देखा। पीछे आप देखिए कमल का निशान, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विनय सहस्रबुद्धे जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी और अरुण सिंह जी हैं, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजेंद्र पांडा जी, और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी हैं, और अपने बीच देश का वह चर्चित युवा चेहरा जिसने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे वरिष्ठ नेता, पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं।
मेरा सादर अनुरोध है अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपको संबोधित करें माननीय अध्यक्ष जी। आज इस पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय ज्योतिरादित्य जी, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के मेरे मित्र, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और आज मैं याद कर रहा हूँ हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रहीं। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्क्ड डे इन एंड डे आउट फॉर द आइडियोलॉजी एंड फॉर ट्राइंग टू सी टू इट दैट द आइडियोलॉजी ग्रोज इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपने अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपने नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में, हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। एंड दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज अ से एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप द पार्टी। सो आई एम वेरी श्योर दैट ही विल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी एंड सी टू इट दैट भारतीय जनता पार्टी इज एन rightful instrument in changing the destiny of our country and developing it, और इसको जिसको हम कहते हैं कि परम वैभव पर ले जाने में जो राजनीतिक दृष्टि से एक अस्त्र के रूप में पार्टी काम कर रही है, उसका सदुपयोग करते हुए आपका भी योगदान हम सबको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योतिरादित्य जी को स्वागत करता हूँ और मैं ये भी चाहूँगा कि वह आज इस घड़ी में अपनी बातों को रखें, यहाँ उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा वातावरण है। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो दो दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और तीन मुख्य बिंदु हैं, एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना,
मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं, और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में, और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया, और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर, और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बस इतना ही।
तो आज के दिन बस इतना ही, ये कहते हुए आपने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन कर दिया गया। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।